सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल का जो राशि परिवर्तन 17 मई 2022 को सुबह 9:32 पर मीन राशि में होने जा रहा है, तो मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति है जो कि मीन राशि में फिलहाल चल रहे हैं। तो मंगल अब जो है मीन राशि में आ रहे हैं, इससे पहले ही कुंभ राशि में चल रहे थे। तो सेनापति मंगल जो है साहस पराक्रम और भूमि के कारक कहे गए हैं और काफ़ी उग्र ग्रह है ये, युद्ध विनाश कारक ग्रह है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, मकर राशि में उच्चिक और कर्क में नीचे होते हैं। इस मंगल ग्रह के द्वारा जो है किसी व्यक्ति की ऊर्जा और शक्ति का पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कितना दृढ़ संकल्प होगा या कितनी शौर्य उसके अंदर है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है और इन्हें पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है। इस ग्रह की वजह से जो है कुंडली में मांगलिक दोष भी बनता है जो कि कई बार अच्छा कई बार बुरा भी सिद्ध होता है। और 17 मई को जब प्रवेश करेंगे मंगल मीन राशि में, इसके बाद जो है 27 जून तक ये यहीं रहेंगे। लगभग 1 माह 10 दिन के लिए जो है मंगल का ये गोचर कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए, आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों का मंगल का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देगा। इस समय जो है मिथुन राशि वालों के लिए मंगल जो है बहुत अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि इस समय यदि मिथुन राशि की बात करें तो करियर को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके जो है कार्यों में सफलता मिलेगी और इस समय जो है आपको पिता से भी लाभ होगा। नौकरी में जो है आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, कोई नया पद आपको मिल सकता है और जहाँ पहले काम कर रहे थे उससे अधिक आपकी वृद्धि अब होगी। और ख़ासकर आपकी जो कुंडली में है सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन रहे हैं, तो इस समय जो है आप सरकारी नौकरी का यदि कहीं रिजल्ट आने वाला है तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। सरकारी नौकरी के चांस लग रहे हैं कि सरकारी नौकरी आपकी कहीं लग सकती है। यदि कहीं आपने कंपटीशन एग्जाम दिया हुआ है तो सरकारी नौकरी की बाधा है जो आपकी समाप्त होगी। इस समय व्यापार भी अगर आप करते हो तो व्यापार में भी जो है आपकी तरक्की होगी, व्यापार आपका खूब चलेगा। और कोई नया व्यवसाय इस समय इस दौरान आप शुरू करते हैं तो नए व्यवसाय के लिए भी ये समय बड़ा अनुकूल रहेगा, क्योंकि मंगल जो आ रहा है बृहस्पति के साथ रहेगा और बृहस्पति आपका इस समय जो है केंद्र में होने से पंच महापुरुष योग में एक हंस योग का भी निर्माण करेगा। तो साथ ही ये समय जो है मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उधर यदि बात आपकी जो है दाम्पत्य जीवन की जाए तो दाम्पत्य जीवन जो है आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय जो पति पत्नी के संबंध हैं वे काफ़ी अच्छे रहेंगे और इस समय जो है कोई नया रिश्ता आपके लिए आ सकता है, हो सकता है कहीं शादी की बात आपकी चल जाए। और व्यापार या साझेदारी फर्म कोई आपकी है तो साझेदारी आपकी अच्छी रहेगी, साझेदारों के साथ जो है आपका अच्छा बना रहेगा और साझेदारों द्वारा जो है आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट भी प्राप्त होगा। साथ ही व्यापार को लेकर जो है आप कोई विदेश यात्रा भी इस समय कर सकते हैं, क्योंकि विदेश यात्रा का भी समय जो है आपका चल रहा है। और भाग्य की बात की जाए तो आपका भाग्य काफ़ी सराहनीय रहेगा। इस ये समय जो है भाग्य उन्नति का ही है आपकी। ये जो आने वाले 1 से 1.5 माह हैं इस समय आपको जो है एक तो पिता का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही आपका जो मन है वो धार्मिक कार्यों के लिए रहेगा। इस समय आप नए नए धार्मिक कार्य कर सकते हैं और धर्म से जुड़ी हुई कोई यात्रा भी आपको हो सकती है। हालांकि इस समय जो है धार्मिक कार्यों पर पैसा जो है आपका अधिक खर्च होगा। भाग्य उन्नति का समय है आपका, तो इस समय आपका जो है भाग्य भी मजबूत रहेगा, उन्नति की ओर लेके जाएगा। अगर बात आपके शिक्षा के क्षेत्र की करें तो उसमें जो है आपको मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। इस समय कंपटीशन एग्जाम में कुछ दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन काफ़ी हद तक रियल जो है आपके ही पक्ष में रहेगा। इस समय जो है कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा, ये समय आपके आपके लिए बड़ा अच्छा है। इस समय जो आपके शत्रु जितने भी हो निबट जाएंगे और शत्रु जो है आपको किसी प्रकार हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। और कोई पुराना कर्ज यदि है आपका उसको लेकर बात चल सकती है, तो वो कर्ज जो है आपका माफ़ हो सकता है या वो कर्ज आप इस समय उतार देंगे जिससे आप कर्ज से भी टेंशन मुक्त हो जाएंगे। और शरीर की यदि कोई बीमारी है तो उससे अब स्वस्थ होगा आप, तो शरीर जो है आपका अब स्वस्थ महसूस करेगा, मतलब आपको पहले से अब बेहतर अच्छा लगेगा। बाद यदि आपकी धन स्थानीय करें तो धन आपका जो है संचित होता रहेगा,
ये समय धन संचय के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति मंगल के साथ होना आपके धन के लिए धन में जो है वृद्धि करता रहेगा। और इस समय हो सकता है वाणी आपके द्वारा कहा गया कोई बात घर में अच्छी लगे तो आपकी वाणी मधुर रहेगी, परिवार में जो है माहौल खुशनुमा बना रहेगा। किसी नए वाहन का आगमन जो है आपके घर हो सकता है, आप किसी नए वाहन को लेने की यदि सोच रहे हैं तो कोई नया वाहन आपके आ सकता है। और बात यदि आपके भूमि भवन की जाए तो ये समय आपकी प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा है, इस समय प्रॉपर्टी में आपकी वृद्धि हो सकती है। तो ये था राशि परिवर्तन मिथुन राशि के लिए कि मंगल राशि परिवर्तन करने के बाद क्या रहेगा। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।